वेलकम गाइस इलेक्ट्रिक शॉक के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीसी मोटर के बारे में कमाल का फैक्ट, जो कि शायद आप में से किसी को नहीं पता हो, लगभग किसी को नहीं पता होता है, 1% ऑफ द पीपल को पता होता है। तो मैं आपको स्टेप्स में समझाता हूँ कि हमारा जो डीसी मोटर होती है नॉर्मली करते क्या है। अगर हम उसमें सप्लाई देते हैं तो वह रोटेट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और अगर हम उसे मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेकिन अगर उसको हम साउंड का सिग्नल प्रोवाइड करें तो वह एक स्पीकर की तरह बिहेव करती है। तो मैं उस एक्सपेरिमेंट को आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में उस घंटी बटन को दबा दीजिए ताकि मैं रोज रोज अपने नए वीडियोस लाता हूँ, आपको अपडेट मिलता रहे। सो गाइस, आज के अपने सेटअप पे और आप देख सकते हैं ये मेरा एम्पलीफायर है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। और ये मेरा स्पीकर है, इसको मैं कनेक्ट करूंगा इसके साउंड के आउटपुट के साथ, और आप देख सकते हैं ये मेरा साउंड का आउटपुट है। अब हम कनेक्ट करेंगे इसको अपनी 12 वोल्ट मोटर के साथ। और थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। और अब इसको कनेक्ट करेंगे हम अपनी 4 वोल्ट मोटर के साथ। इस मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे इसको। और थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ाएं। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों सॉरी इसके लिए कि मेरे पास वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं दे पाता, लेकिन हाँ एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।